जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला कांगड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीमें होम सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर चुकी हैं। प्रदेश सरकार के दृश्यता निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग एक्टिव केस फाइंडिंग शुरू कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिला के प्रत्येक घर में जाकर लोगों से संपर्क करेगी। इससे पूर्व विभाग लोगों के द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर था। सीएमओ ने बताया कि विभाग के कर्मचारी लोगों के घर जाकर सुनिश्चित करेंगे कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और उसमें क्या कोई लक्षण तो नहीं है, अथवा कोई व्यक्ति किसी COVID-19 व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया। उसके उपरांत जो उपचार करना होगा उसको किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि प्रत्येक टीम में 2 मेंबर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और दूसरे कैटेगरी में हेल्थ वर्कर, हेल्थ सुपरवाइजर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा कमी पड़ने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमें निर्देश मिले हैं प्रदेश सरकार से कि हम एक्टिव केस फाइंडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं वो जिला के हर एक घर में जाकर के 2 आदमी उनसे संपर्क करेंगे। इससे पहले कि हम डिपेंडेंट थे पैसिव इन्फॉर्मेशन पे, जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अब हमारे विभाग के कर्मचारी हर एक घर में विजिट करके उसको देखेंगे कि वो कहाँ से आया है, क्या उसमें कोई लक्षण है या नहीं है, या किसी COVID-19 के संपर्क में आया है, और उसके बाद गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी उसका उपचार करना होगा वो हमारे कर्मचारी विभाग करेगा। हर एक टीम में 2 मेंबर्स होंगे, एक आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर, और दूसरी कैटेगरी में हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स मेल एंड फीमेल, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, या कोई एक, या अगर कहीं हमें कमी पड़ेगी तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, इवन टीचर्स, दे हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर, और ये सारे प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन होगा, कोई हम कागज़ नहीं जनरेट करेंगे, और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे डेली मॉनिटर किया जाएगा। और ये वर्बल स्क्रीनिंग है, कोई वहाँ पे डिटेल्ड उसके घर पे डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ उसने वर्बल स्क्रीनिंग से ही हम डाटा इकट्ठा करेंगे। जिसको उपचार की आवश्यकता होगी उसको नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में शिफ्ट किया जाएगा। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला भर में प्रशासन द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान शुरू कर दिया गया है, जो आगामी 7 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जिला कांगड़ा में सभी व्यक्तियों को पूरी तरह से स्क्रीनिंग किया जाए और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने बताया कि यदि कोई सिनेमेटिक केस मिलता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में लाकर उसे आइसोलेट किया जाएगा। जिलाधीश ने बताया कि कांगड़ा में ये काम शुरू कर दिया गया है। एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चला रहे हैं ACF का, वो आज से शुरू हो रहा है और अगले 7 दिनों तक चलेगा। उसमें कोशिश की जा रही है कि जितने भी घर हैं हमारे जिला कांगड़ा में सबको स्क्रीन किया जाए और कहीं भी कोई भी लापरवाही ना हो, कहीं पे कोई भी कोई सिम्टोमेटिक केस हमको मिलता है तो उसको हम हेल्थ डिपार्टमेंट के ध्यान में ले आएँ और कोशिश करें कि उनको आइसोलेट किया जाए। इसमें न सिर्फ आशा वर्कर्स, बल्कि जिन जगहों पर आशा वर्कर्स नहीं है, खास करके हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन के एरियाज में, वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन सब के साथ एक एक हेल्थ वर्कर, डॉक्टर होगा, आयुर्वेदा की तरफ से होगा, चाहे एलोपैथी की तरफ से होगा, इनकी टीम्स बनाई गई हैं और आज से ये जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। सर, विदेशी भी